जो आदमी भक्ति करेगा उसके जीवन में धन धान्य आएगा, वह व्यक्ति बहुत अमीर होगा जो भगवान के चरणों से जुड़ा होगा। लेकिन एक बात बताएं, भगवान के भक्त को फिर भक्ति सच्ची हो जाने पर ना फिर धन से मोह रहनी चाहिए। कई बार आप लोग कहते हैं महाराज जी भक्त हमेशा गरीब क्यों होता है? कारण है सच्चे भक्त को धन से मोह होता ही नहीं, इसलिए वो बेचारा गरीब रहता, उसे चाहिए ही नहीं होता ना। हरे कृष्ण लिया। ये लोहे पर छू देने से सोना हो जाता है, तो तुम खूब सेवा करना, तुम्हारी दरिद्रता गरीबी मिट जाएगी। भगवान ने जो उनका जूता रख कर वो खीर ठोकने का एक उनका औजार होता ना लोहे का, भगवान ने उसको छुपा दिया लोहे को, वो सोना हो गया। अब रविदास जी रहदास जी रोने लगे, हे भगवान मैं तो गरीब था, क्या आपने और गरीब कर दिया। भगवान ने कहा मैंने कहां गरीब कर दिया। बोले रविदास जी ने कहा कि आपने मेरा जूता जिस पर रखता हूं उसको तुमने सोने का बना दिया, अब कोई सोने पर रखे थोड़े जूता सिलूंगा, मुझे से यमुन गंगा जी में बहाना पड़ेगा, फिर कहां से लंग खरीद के खोल दे। भगवान बोले सोना बेच के जितना पैसा चाहिए ले लेना। रविदास जी ने कहा कि सुनो प्रभु, मैं जो जूते सिलकर काम करके जो पैसा कमाता हूँ उसी से अपना गुजारा करूंगा, मैं ये तुम्हारे बड़ी बड़ी के चक्कर में नहीं पड़ता, जितना मिल रहा अच्छा है। भगवान ने जिद की, ना जी रैदास जी तुम्हें ये पारस मणि लेनी पड़ेगी,
तो रैदास जी ने कहा एक काम करो, मेरी झोपड़ी के ऊपर वो जगह तुम्हें जहां मिले खोस दो, खोस तुम्हें से रख दो, वहां रख दो। चले गए भगवान। एक साल बाद भगवान फिर आए, अरे रविदास जी तुम तो, रैदास जी फिर तुम वही जूता सिल रहे हो, तुम तो मणि दिया था मैंने, इतना धन सोना बन जाता तुम लखपति करोड़पति बन जाते। रैदास जी ने कहा आपने हमें कुछ दिया था, कब दिया था, पिछले साल कहां रखा था, वहां। तो रैदास जी ने कहा जहां रखा था देख लो। भगवान ने हाथ डाला तो वहां उनकी पारस मणि ज्यों की त्यों रखी थी, साल भर से छुआ नहीं। भगवान का सच्चा भक्त तो भगवान से मतलब रखता है, धन बहुत आता है उसके जीवन में पर वही परवाह नहीं करता, इसलिए ये कहने में आता है कि भक्त गरीब होता, गरीब नहीं होता, सच्चा भक्त स्वीकार ही नहीं करता ना, इसलिए रैदासी के जीवन में पारस मणि मिली थी, भगवान ने दी, नहीं दी उन्हें। इसके बाद बहुत जिद करने पर फिर उन्हें 2 सोने के सिक्के रोज देते थे भगवान, उनके ठाकुर जी से रोज प्रकट होते, उससे फिर वो साधु सेवा करते थे, वो भी भगवान के जिद करने पर, और पूरा पैसा वो सेवा में लगाते थे, अपने लिए रोटी उस पैसे से नहीं खरीदते थे, जूता सिल के जो कमाते थे उसी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान देने के परेशान है। राका वाका का नाम सुना होगा, राका वाका पति पत्नी, पति का नाम था राका, पत्नी का नाम था बाका, राका वाका, दोनों जंगल की लकड़ियां समेट के लाते, जो पैसा बचता भगवान की पूजा करते, संतों की सेवा करते, खवाते पिवाते और खाते रोज कीर्तन, दिन भर कीर्तन, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राका वाका दोनों जपते। एक दिन नामदेव जी ने विठल भगवान से कहा, प्रभु ये राका वाका बड़े गरीब है पर आपके बड़े अच्छे भक्त, इनको पैसा क्यों नहीं देते हो? भगवान विठल बोले, नामदेव मैं देता हूँ, ये लेते ही नहीं है। अच्छा चल तेरे सामने देता हूँ। तो एक दिन विठल भगवान और नामदेव जी दोनों राका वाका के रास्ते में ढेर सारा सोना बिछा के आ गए, ढेर सोना का, और जरा ऊपर माटी डाल दिए, जरा जरा दिख रहा था, और झाड़ियों में जाके छिप गए। राका वाका रोज जंगल जाते थे लकड़ियां लेने के लिए, तो जब गए तो राका आगे आगे था, ठीक। तो राका ने देखा कि यहाँ कुछ सोना पड़ा है, ध्यान से देखा, सोना था, राका ने तुरंत पीछे देखा और तुरंत मिट्टी डालनी शुरू कर दी उसके ऊपर। राका को लगा कि कहीं मेरी पत्नी बाका ने देख लिया और कहीं उसने जिद किया, क्योंकि माताओं को सोना बड़ा प्रिय होता है। तो राका को लगा कि कहीं मेरा मेरी पत्नी बाका ने देख लिया तो कहीं उठा ना ले, तब तक बाका आ गई, और राका से ज्यादा त्यागी उनकी पत्नी थी। बाका ने कहा आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा माटी डाल रहा हूं, यहाँ सोना है तो उस पर मिट्टी इसलिए डाल रहा था तुम ना देख लो। बाका ने कहा प्रभु आप माटी के ऊपर माटी क्यों डाल रहे हो, तो माटी है। ये कहकर दोनों चले गए, जंगल की लकड़ियां लेकर आए, बेचा, जो पैसा मिला खाया पिया, भोग लगाया ठाकुर जी को, और कीर्तन करने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरि, दिन भर कीर्तन दिन भर। अब भगवान विठल बोले नामदेव अब तू बता मैं क्या करूं, ये धन लेते ही नहीं है। भगवान का भक्त गरीब नहीं होता, कभी गरीब हो ही नहीं सकता, लिख लो मेरे से लिखवा लो, स्टाम्प पे लिख दूंगा, कभी नहीं गरीब हो सकता। लेकिन सच्चे भक्त को चाहत नहीं रह जाती, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती। लेकिन आप लोगों को पैसा चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि भगवान की शरण में आ जाओ, जितना चाहते हो, तुम्हारी जरूरतें हैं ना, रोटी कपड़ा मकान की गाड़ी घोड़ा चाहिए तुम्हें, घर बन जाए, पैसा आ जाए जरा 10-20 लाख खाते पे आ जाए, इतना तुम्हें खूब मिल जाएगा। तुम जाप तो शुरू करो, श्रीमन्नारायण का जाप करो, और ये मान के चलो कि प्रभु मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इस विश्वास से चलो। एक साल के अंदर आपकी तस्वीर तक दिशा बदल जाए तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। एक साल के अंदर आपका जीवन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे राधे राधे, ये दाता तेरा आसरा है, मालिक तेरा आसरा, बस हमने धन दौलत ना चाहिए, सुख शांति करे ना तो मिल जाए तो साथ देखो, बिना हॉस्पिटल का इलाज नहीं होता। भक्ति बिना किए आपका कष्ट मिट जाए पॉसिबल नहीं, कर लो
तो गारंटी मैं लेता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राधे। और धनवान की कोई कमी नहीं होती, इसलिए भगवान का कोई टाइम तो मिल जाओ बस धन धन। आप बताओ कोई गरीब था तो आप कहेंगे महाराज जी केवट गरीब था, केवट केवट लेता नहीं था, राम जी ने दिया, ये सोने की अंगूठी लेने क्या लिया, उतराई दी ना राम जी ने जब केवट ने